Assalamualaikum, this is Fahmeen and welcome to my channel guys. आज मैं करने वाली हूँ yawn challenge, उबासी challenge जिसको बोलते हैं. मैं पहले भी एक चैलेंज कर चुकी हूँ बट मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट आ रही थी, दीपिका की, दुर्गा की और हिलकू की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि ये वाला चैलेंज का पार्ट टू करो. तो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उठी और फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जब मैं यहाँ पर बैठी काम करने के लिए तो मुझे बार बार उबासी आई थी. तो आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस चैलेंज वीडियो बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपको जब नेचुरली यू नो उबासी आ रही होती है आप तभी वो जो है वो चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो. तो और इसके अलावा मैं एक जो थी ना वो बुक भी रीड कर रही थी और जैसे जैसे मैं बुक को रीड कर रही थी और थोड़ा थोड़ा अपना काम भी साथ साथ कर रही थी तो मुझको उबासी आ रही थी बार बार. तो आई वाज जस्ट रियलाइज के मैंने दीपिका से प्रॉमिस किया था कि आज मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. तो दीपिका दिस वीडियो इज़ फॉर यू, हिलकू इज़ फॉर यू एंड दुर्गा इज़ जस्ट फॉर यू गाइस. तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो मेरे चैनल के लिंक को, ठीक है. और चैनल का लिंक जो है ना वो मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ. आप लोगों ने सबने अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर करना है थ्रू योर व्हाट्सएप, थ्रू योर सोशल मीडिया. लेट्स स्टार्ट द चैलेंज गाइस. तो उसके लिए अभी मुझे उबासी नहीं आ रही तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. तो स्टे ट्यून गाइस, आज जब तक मुझे ये उबासी वाला चैलेंज मैं कंप्लीट नहीं कर देती आई डिडंट टर्न ऑफ माय कैमरा. सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज. मैं अपना काम करती रहूँगी और जैसे ही मुझे उबासी आएगी तो आई विल कैप्चर दैट मोमेंट. सो आप लोग देख रहे हो काम करते हुए इंसान को जितना नींद आती है ना, ये कोई रीडिंग करते हुए जितनी नींद आती है. अगर रीडिंग आप इंटरेस्टिंग वे में कह रहे हो किसी में तो भी आती है नींद, मुझे तो आती है. अगर मैं बहुत ज़्यादा रीड कर रही हूँ मतलब चीज़ों को तब मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा. करीब से कैप्चर करो ऐसी रिक्वेस्ट भी थी हिलकू की थी, राइट. तो हिलकू इज जस्ट फॉर यू. मुझको तो नींद आ रही है नींद आ रही हो मुझे
आँख में देखो पानी आ गया, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, देखो लुक। जब भी आपको उबासी आती है ना तो आपको नींद आती है डेफिनेटली। तो जब आप नहीं सोते तब तो आपको उबासी आती है, तब तो समझ आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता जब आप सो के उठते तब आपको इतनी ज़्यादा क्यों हो रही होती है। तो मेरा ख्याल से ये एक सुस्ती की अलामत है ना, आपको जब बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रही होती है तब आपको आती है। तो गाइज़ ये मेरे इस चैलेंज का लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैं ये चैलेंज नहीं करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। अब मुझे इसी के अबाउट और सजेशंस मत देना, मैं पार्ट टू नहीं बनाने वाली हूँ, ना पार्ट थ्री बनाने वाली हूँ, ना फोर बनाने वाली हूँ किसी भी उसका वीडियो का। अब मैं न्यू चैलेंजेस की तरफ जाना चाहूँगी और मैं न्यू चैलेंजेस की जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगी। तो न्यू सजेशंस आप लोग दे सकते हो, बट ओल्ड किसी भी वीडियो की बोलो कि यार इसका पार्ट टू या पार्ट थ्री बनाओ, तो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो अब हम नेक्स्ट चैलेंजेस की तरफ जाएंगे। मैंने और फरीन ने बहुत सारे जो चैलेंजेस है ना वो हम लोगों ने सोच के रखे हैं, तो हम उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं इंशाल्लाह। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, और आप लोग मुझे स्नैपचैट पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आई थिंक इतनी उबासियाँ काफ़ी हैं मेरे लिए, क्योंकि जो माई अपनी मर्ज़ी से आती है, अगर आप फुल डे कैमरा लेके बैठो तब आपको समझ आएगी भाई आपको आबारी 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 अपनी मर्जी से आती है। और अगर मेरे जैसी कोई एक्टिव बंदी है उसको बहुत कम आती है। लिटरली मैं बहुत एक्टिव हूँ, एस मतलब ठीक है, मैं काफ़ी कम सोती हूँ ऐसा मुझे लगता है, ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है। गाइस मैं एक बुक रीड कर रही थी, पहले मैंने एक दफ़ा इसको रीड कर चुकी हूँ, तो जब से आप लोगों ने मुझे बोला था ना बुक रीड करते हुए जो है ना वो बनाओ एक एक वासी चैलेंज, तो जिन लोगों के पास ना ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है ना जिन लोगों के पास, उन लोगों को चाहिए कि वो ये वाली बुक ना एक दफ़ा ज़िंदगी में बस एक दफ़ा रीड ज़रूर करें। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम लोगों के पास ना एक मतलब जितना भी स्ट्रगलिंग फेज़ होगा ना तुम लोगों की ज़िंदगी में, जितना भी स्ट्रगलिंग होगा, हर किसी की ज़िंदगी में कोई स्ट्रगलिंग फेज़ तो ज़रूर होता है, तो ये बुक ना तुम लोगों को ना मतलब एटलीस्ट ये सिखा जाएगी कि उस स्ट्रगलिंग फेज में ना तुमने ज़िंदगी का मीनिंग किस तरीके से ढूंढना है। बस ये बुक तुम्हें सिर्फ इतना ज़रूर सिखा देगी, यानी किसी भी स्ट्रगलिंग फेज़ में फिर तुम लोग चीज़ों को ब्लेम करना नहीं सीखोगे कि यार मेरे पास ये वाला रिसोर्स होता तो मैं ये काम कर सकता था, या वो वाला रिसोर्स होता तो वो काम कर सकता था। ये तुम्हें ना ज़िंदगी के मुश्किल तरीन जो डेज होंगे ना, मुश्किल तरीन डेज जब तुम लोगों को लगेगा यार दुनिया ख़त्म हो गई है, मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास अब मतलब अब मैं मतलब
मीनिंग नहीं है कोई लाइफ को, मैं क्यों जीऊँ, तो ये तुम्हें ज़िंदगी का गोल दे जाएगी और बताएगी कि उस स्ट्रगलिंग फेज में तुमने ज़िंदगी को या उस फेज को तुमने एज अ चैलेंज कैसे लेना है और वहाँ से अपने लिए रास्ते कैसे निकालने हैं, इतना तुम्हें ज़रूर सिखा देगी ये बुक। तो मैंने जब इस बुक को रीड किया था ना, मतलब आपका सोचने का, लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है बिल्कुल चेंज कर देगी ये बुक। तो मस्ट रीड दिस बुक एक दफ़ा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये बुक, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी लेवल। और गाइस इसका ना हिंदी में भी आपको हार्ड कॉपी में और पीडीएफ में, सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, दोनों तरह से ना आपको, दोनों लैंग्वेजेस में, पीडीएफ में और हार्ड कॉपी में, दोनों तरीके से तुम लोग को मिल सकती है। तो तुम लोग देख सकते हो, मैं अभी यही सर्च करी थी कि ऐसा कुछ मिल सकता है, तो वो भी मिल जाएगा। तो मस्ट रीड दिस बुक, थोड़ा सा टाइम निकाल के एक एक इसका पेज पढ़ो, मतलब तुम लोग को मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक ये चैलेंज हो जाता है यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं अपने न्यू चैलेंजेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उम्मीद है तुम लोग अपने घर में बहुत खुश होगे, बहुत खैरियत से होगे और मेरी वीडियोज़ को देख के बहुत इंजॉय कर रहे होगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, यानी कल तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।